bitch be the mutants. अस्सलाम वालेकुम और हरियाणा वालों तो राम राम। और मैं आपका भाई विजय एक नई वीडियो के साथ। एक लड़का परेशान था, तीन चार दिन से मुझे मैसेज कर रहा था, मेरे ऑफिस पे भी आके विजिट किया, फिर भी मैंने उसको थोड़ी बहुत सलाह दी। लेकिन आज बंदा इतना परेशान है कि उसने खुद कहा कि विजय भाई मैं खुद नहीं आऊँगा आज, आप खुद आके देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं उसके पास आया और क्या कहते हैं ना कि प्रूफ, मैं जब भी बात करता हूँ विद प्रूफ और विद पर्सन के साथ करता हूँ, मैं कभी हवाओं में खुद अकेला तीर नहीं मारता। और अभी मैं दिखा दूँ मैं कहाँ पे हूँ। ये एक रूम है, रूम क्या किचन टाइप का है, वॉशरूम टाइप का ये सारा कुछ है। और ये नीचे गद्दे पड़े हैं। कॉल मेरे बहुत आती रहती है यार, एक कॉल कर दूँ। तो ये अपने बंदे हैं मेरे पास, आप कब आए थे? तीन दिन, मुझे चार दिन हो गया। चार दिन पहले ये मेरे पास ऑफिस आया था। और ऑफिस आने के बाद उस टाइम मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतना परेशान है। मैंने इससे कुछ बात की, सलाह दी इसको थोड़ी बहुत। बंदे के चेहरे से भी दिख रहा है कि किस तरह, मेरे ख्याल से कभी इसने ऐसी लाइफ सोची भी नहीं होगी। कभी ऐसी सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ दुबई में ऐसा होगा, ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, पैसा लेके। अभी चार दिन हो गए ना फोन उठा रहा है ना कुछ उठा रहा है। हम 10 लोग हैं पाकिस्तान से आए हुए जिनका 2-2 हजार तकरीबन बनता है, और 2-2 हजार लेके हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा। ऑफिस जाते हैं कैसे, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? अजहर से इधर ही हुआ था, व्हाट्सएप यूट्यूब पे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था इससे। हाँ वो मैं तो समझ रही थी बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, ये हर चीज देखता है। लेकिन हमें इस चीज का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि यार, हमें बता रहे थे लोग लेकिन हम नहीं समझते थे। मैंने सोचा यार ये लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन कसम से आज इसके पास आइडिया जा गया है। हम 10 लोग हैं इधर परेशान बैठे हुए हैं यार, रो नहीं सकते हम, बाकी सारा कुछ अंदर से टूट चुके हैं। ये रूम आप देख लें, और सारा देख लें हमारे किचन का टाइप, किचन ये देखें गंद, इस गंद में रह रहे हैं। ये देखें मक्खियां आ रही हैं, और ये मैट्रेस भी दिखा दे जिसमें खटमल है, और रात को कसम से नींद भी नहीं आती। ये देख लें, ये है अजहर विलोम। कितने टाइम पहले कॉन्टेक्ट हुआ? मेरा 8 दिन पहले हुआ था कॉन्टेक्ट, मुझे बोला 2000 दिरहम दे दो आपको जॉब। वो जिनको जॉब पे भी लगा वो भी वापस आ गए, ऐसी चूतिया कंपनी में भेज रहे हैं लोगों को, 2000 ले रहा है, 1400 बता रहा है, लेकिन जाते हैं तो 900 दिरहम आगे जाके सैलरी लगती है लोगों की। अजीब बंदा ये, मुझे तो इस बंदे की ऑफिस गए पैसे लेके। हाँ मैं ऑफिस में गया, उस बंदे ने जो बंदे रखे हुए आगे, वो बंदे भी आगे सही तरह से डील नहीं करते, वो यही बोल रहे हैं कि ऑफिस किसका, उसका खुद का ऑफिस है या क्या? उसका अपना ऑफिस नहीं है, वो किसी के ऑफिस में बैठता है। उसने तो एक कैबिन लिया हुआ है, कैबिन में बैठ के लोगों से डील करता है ना, उसका ऑफिस है, सीधी बात है। तो मतलब कि ये बात है कि जो वीडियोस में दिखाता है इतना बड़ा ऑफिस है, कुछ नहीं ऐसा, वो एक रूम है बस रूम में बैठ। मेरी बातों का यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं तो क्या ना ऐसे बंदे के साथ रह के निकला हुआ, मुझे पता है कितने पानियों में, लेकिन मैं ये खुद नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो लोग कहेंगे कि भाई दुश्मनी चल रही है। तो प्लीज भाइयों, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना पैसा बचाना है तो किसी ट्रस्टेड बंदे को पैसा दो। इधर दुबई में आके किसी बंदे को अभी हमारे पास पता है क्या कंडीशन है, पैसे रोटी खाने के शाम का नहीं है, सोते इधर हैं। वो बंदे ने निकाल दिया, उस पैसे कहो जाओ बाहर जाके रहो। इस इधर सोने के भी पैसे हम दे रहे हैं, अंदर 30 है इधर 20 दे रहे हैं हम लोग। अभी मेरे जो लड़के आ रहे हैं तुम्हें पता मिले, मैं आपके ऑफिस में गया रहने का, बड़ा फाइन ऑफिस है। अभी ये मैं इनकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे तो भाई मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। मैं तो जो बात है अपने दिल के जज्बात कर रहा हूँ। कल हम आपके ऑफिस गए उधर उस एरिया में, तो देखा जाके सारा सीन इतना अच्छा और सारा वेल डिजाइंड था, आपने अच्छे तरीके से डील किया। अभी इसके पास जिस दिन से पेमेंट दी, उस पेमेंट देने से आधा घंटा पहले तक मेरे से व्हाट्सएप पे बैठा चला, जिस दिन से पेमेंट दी उस बंदे ने मेरे से रब्ता करना गुवारा नहीं समझा। पाकिस्तान का 80,000 रुपया बनता है 2000 दिरहम, हम 10 लोग हैं तकरीबन 20,000 दिरहम लेके बंदा फारग है, कहीं पता नहीं चला कब गया, हमें समझ नहीं आ रही यार। लास्ट टाइम मेरी जिस दिन पैसा दिया उसी दिन लास्ट बात हुई, उसके बाद मुझे उसने बात करना भी गुवारा नहीं समझा, बोला चूतिया बंदे हैं रब्ता कर लेंगे कोई मुश्किल नहीं है, जैसे भी है वो देख लेंगे। चलो पाकिस्तान से बाहर तो भागने से कभी तो जाएगा सर, अभी तो बहुत अब इंडिया वालों को तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंडिया वाले कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान एम्बेसी, इंडिया वालों को भी हो जाती है पाकिस्तान में से कहाँ जाएंगे। अभी अपना जो भी पैसा है वो अपने पास बचा के रखो। मेरे भाई मैं सिर्फ यही कहूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं कह रहा या कुछ नहीं कह रहा, मुझे ये बंदा कल ऑफिस में मिला था आके, इसको 7-8 दिन यहाँ हो गए आके, इसने मुझे कल स्टोरी बताई, तो मैंने सोचा चल यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बंदे का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हो जाएगा। मैंने उसको कहा कि भाई वहाँ जाके बैठ उसके ऑफिस पे बात कर, तो वो 3 दिन से ऑफिस पे आ नहीं रहा, सुनने में आ रहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा वो ऑफिस, बिल्कुल नहीं आ रहा ऑफिस में, बल्कि लोगों जो बंदे रखे हुए हैं वो बंदे को भगा देते हैं ऑफिस से। तो इसकी स्पेशल मेरे पास कॉल आई कि विजय भाई आप आ जाए एक बार हालात देख ले भाई, जैसे बीमा कहने लगा हुआ क्या गया, ये कुछ बता ही नहीं रहा था, बस ये कह रहा था कि भाई एक बार आके देखें तो
तो मैं इधर से, मैंने कहा कि भाई मैं उधर से निकलूंगा तो मिल के चलूंगा। वो मैं इधर से निकल रहा था, एकदम से पता चला कि यहीं पे है। तो मैं इसके पास आया, तब इसकी स्टोरी देखी तो यार, अभी भाई बात ये है अपना जो भी है ना, अजहर भाई से बचो यार, ये प्लीज यार, ये लोग बचो बंदे की यार, यार ये चीज देखो बचो, प्लीज यार, जो बंदे ने इसके साथ इतना कुछ किया वो फिर भी उसके नाम के आगे भाई लगा रहा है अजहर से। बस बात ये है कि यार वो हमारा एक तो उसका हया करने में पाकिस्तान नहीं है, बस बाकी मेरे ख्याल में इसमें इंसानियत वाली कोई चीज़ नहीं है। अब बाबा जी आए, बाबा लोग आए मेरे पास, अभी मिले मुझे इनसे, यकीन करें बातों में वो बंदे को ऐसे कर लेते हैं। इस बंदे को तो वो प्रोफेशनलिज्म उसमें है ही नहीं। अब जिस दिन से वो मुझसे मिल रहा है, पैसे देने तक वो मिला मुझसे, अभी जब से पैसा दिया उसने मुझसे बात नहीं की, उसकी औकात नहीं है उसके, तो दोबारा फेस कर सकते वो उसके जेब में इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी का पैसा रिटर्न कर सके, क्योंकि आया वो खा गया, मैं इसको जानता हूं उसकी औकात नहीं है। अभी चलो भाई दिरहम रखो और इधर रहो बस। किसने दिया यार 900 दिरहम बनता है? रूम से भी निकाल दिया मेरे ख्याल से। हां रूम से निकाल दिया, हम इससे बाहर बैठे हैं, देख लो हालात देख लो इधर दुबई के। अब यार कोई लड़का, एक चीज बताए, कोई लड़के को आप बुला रहे हैं उसी कंट्री से, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका रहने का तो इंतजाम करे। चलो खाने का नहीं बनता भाई, खाने का कोई भी नहीं उठाता, पैकेज होता है, एक पैकेज होता है जो हमारा पैकेज है कि भाई वीजा टिकट एयरपोर्ट से पिक करना प्लेस, जब तक आप काम पर नहीं जाएंगे तब तक रहने की जिम्मेदारी हमारी, खाना आपका खुद का होगा। 2-3 दिन भाई अगर रूम पर रहना देना पड़ रहा है, अगर कोई, मैं मानता हूँ कुछ काम लेट हो जाता है, 5 दिन 6 दिन यार 15 दिन भी लेट हो, लेकिन भाई वो किसके भरोसे है? उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, कोई मेहमान? कोई रिश्तेदार नहीं, वो किसके भरोसे? हम तो इसके भरोसे भी आए थे, अब इस बंदे ने ऐसा ठुकरा और ऐसा चूना लगाया, हम ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे। अब हमारे लड़के आते हैं, हम यार वो हमारे भरोसे आ रहे हैं, उनका कोई अपना नहीं है, जो भी करना है हमने करना है, भूखा हमने मारना है, प्यासा हमने मारना है, खिलाना हमने है, हर चीज हमने करनी है। तो कम से कम ये तो रहेगी, बंदा यार 10 बंदे से कमा रहा है, कम से कम अगर एक बंदे पे जेब से लगाना पड़ रहा है तो क्या है भाई, इज्जत के लिए सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो भाई यही रिक्वेस्ट है कि मार्केट में वीडियोस इस तरह की पहले भी आई हैं, अब मैं सारी चीज, मैं और जो लोग वीडियो बनाते थे वो सिर्फ बोलते थे, मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, सिर्फ मुझमें यही कमी है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पहले तुम उसके साथ थे अब उससे अलग हो गए तो चीर फाड़ कर रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो, मैं भाई बता दूं कि ये चीज 1 साल से चल रही थी। सिर्फ मैं मार्केट में इसलिए नहीं बोल रहा था कि जो लोगों के काम पड़े हुए, जैसे कि अभी यही है, मैं ये वीडियो आज डालूंगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने कहा है कि वीडियो उस दिन डलेगी जिस दिन तेरा पेमेंट रिटर्न आ जाएगा, जिस दिन तू ये कह देगा कि भाई अब पैसा डूब गया अब डाल दो ताकि और लोग ना फंसे। इसी चीज़ की वजह से मैं मार्केट में ये ओपन नहीं कर रहा था कि मैं उससे अलग हो गया हूँ, ये चीज़ें मैं सिर्फ ये था कि भाई लोगों के जिनके काम पेंडिंग पड़े हैं बहुत से लोगों के भी निकल गए। अभी मैंने इससे पेमेंट नहीं है, जब तक आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है मेरी पेमेंट मुझे मिल जाए या ना मिले, क्या सीन है वो नेक्स्ट वीडियो में इनसे दोबारा जब इस वीडियो में इसका मैं नंबर डाल दूंगा स्पेशली, मेरे से भाई कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं सारी प्रूफ आपको दिखा दूंगा यार, सब कुछ जो चीज चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूंगा। भाइयों इनसे बचो यार, हम 10 लोग हैं, पाकिस्तान से हैं 10 लोग यार, कम से कम ये तो सोच कि भाई खुद की कंट्री के लोग हैं, कल की डेट में क्या होगा। चलो बैटरी डाउन होगी फोन की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज के साथ, दुआ में याद रखिएगा और भाई के लिए थोड़ी दुआ कीजिएगा कि सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। तो ये सब अजहर का ब्लॉग में आया है, सब अजहर ब्लॉग में सबका पैसा लूट रहा है ये, अभी ये नाम भी चेंज किया है, अभी हम 5-6 दिन से इधर रुक रहा है, तो आज आने के लिए तो ये फ्रॉड ले गए, इसको भी पैसे खाया है, मेरा भी पैसे खाया, सब का पैसा, इसका भी 2000 खाया है। तो हम आज वेट कर रहे हैं, तो इसका अंदर का भी हम बाद में दिखाएंगे। ये था भाजी, एक नया केस अपने पास आया था, तो हमसे जितनी हेल्प हो सकी हमने की, इनके पैसे एक जगह फंसे थे, किनके पास गए थे? इफ्कार, जो पैसे तुम्हारे फंसे थे इफ्कार का है ना, वो अजहर के पास, अजहर के पास, ये अजहर ब्लॉक के पास गए थे उसके पास, तो इनसे कितने रुपए लिए थे? 1000 दिरहम इनसे ले लिए, और फिर इनको सीधा सीधा कह दिया कि भाई तेरे पे जो उखड़ता तो उखाड़ ले, जो कर सकता हूँ कर ले, नहीं मिलते पैसे, और काम पे भी मेरे ख्याल से नहीं दिया, नहीं दिला काम से, वो बोला कल हो जाए, कल हो जाए, कल हो जाएगा बोल के, इन लोग इतना लंबा है फिर भी उन लोग कुछ भी नहीं किया। अभी मैं कोर्ट में भी गया और पुलिस में भी गया, अभी देखता हूँ वो प्रोसेस कितना टाइम लग जाएगा। एक्चुअली वो उसका तो गेम ओवर हो गया, वो किसी लायक नहीं है इसके। जब तुम ऑफिस पे जाते थे और कितने बंदे थे वहाँ? बहुत बंदा था। जब ये बंदा रोज जाता था पैसे लेने, इसके सामने 6 से 7 बंदे इसी चक्कर में पड़े रहते थे, 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था, आखिरी में बंदा परेशान होकर क्या करे, या तो पैसे भूल जाए
या भाग दौड़ करेगा, क्योंकि क्या है ना कि इतना टाइम नहीं था इसके पास, 1 month इसके पास बचा हुआ था, अब उसके ऑफिस पे चक्कर मारे या जॉब ढूंढे, तो इसकी हेल्प हो गई है, जॉब पे जा रहा है हमारी तरफ, चलो भगवान करेगा उसका भी कुछ अच्छा करे, पैसे मिले ना मिले, लेकिन तुम काम पे चले गए, भागेगा कहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई इन चूतियों से बच के रहे कुछ लोगों से जो पैसे खाने के चक्रों में रहते हैं। चलो ठीक है, ज्वाइन करना, थैंक यू।